वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो जैसा कि है आज डिलीवरी का दूसरा दिन, तो मैंने उस दिन पिछले वाला अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैंने कहा था कि पनिशमेंट के रूप में कुछ मिल रहा है, तो पनिशमेंट थोड़ी कम हो चुकी है। तो दिखाते हैं, कर ले भी रहे हैं हम लोग, बट मॉडिफाइड ले भी कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं हम लोग कर रहे हैं प्याज कॉर्म और कॉर्मलेट को अलग अलग। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े प्याज और छोटे प्याज को अलग कर दिया है। शेर शेर चीता चल रहा है दोस्तों। यहाँ सौरभ भाई अलग ही काम कर रहे हैं। ए, यहाँ पंचायत करने के लिए कहाँ गया है? तो दोस्तों तो गाइस कैसा लग रहा है तुम लोगों को? हाँ शिवम भाई कुछ कहोगे कैसा लग रहा है? अरे मजे थोड़ा स्टाइल है, कपड़े ये गलत बात जानते हो। यस ब्रो। दोस्तों हाथ देख सकते हैं ये शेर। तो कुछ बोलोगे दोस्त? अच्छा हमको सिखा रिया है? ए पंचायत मत करो, काम करो, हाथ चला जल्दी से। वो बता कौन सा पाइप है? सीवर वाला। सीवर वाला देख सकते हैं दोस्तों ने कितना। यहाँ पर देख सकते हैं लड़की लड़की वाला वो कर दिया गया है। मैम ने कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछ लिया, तो देख सकते हैं मिलेगी कोल्ड ड्रिंक की नहीं मिलेगी। और लड़कियों से कह दिया है कि पर्सनल हॉस्टल में आके समोसा भी खा के जाएं। अगर कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो पढ़ देंगे शेर, वरना हो जाएंगे ढेर। फाइनली गाइस, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कोल्ड ड्रिंक की, बट लास्ट में जो मैम थी उन्होंने बैग पकड़ के खींचा और बोली कि तू यहाँ काम कर, तो ये रही कोल्ड ड्रिंक। ऐसे दोस्तों ऐसे ही किया जाता है ऐसी जगह। बस क्या है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट मेरे को टीचरों की करना आता है, बट टीचरों को ये नहीं समझ में आता कि बच्चों से कैसे बोलें। ये थोड़ा सा कर लें तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हम तीन लोगों ने जितना काम किया था इतना शायद ही किसी ने किया होगा, जितना शायद ही दोस्तों किसी ने किया होगा। फिर भी लास्ट में एकदम ऐसे बोल देती बेटा काम कर दो ये वो। हमारी भी मैम है एग्रीकल्चर में, इतनी प्यार से बोलती हैं, कुछ बैग पकड़ के खींचती हैं और बोलती हैं ये यहाँ तू ये काम कर यार, ये कोई लैंग्वेज है? आप PhD में आ चुके हैं और आपको मैं नर्स नहीं है? माना ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता था। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सो फाइनली गाइस कॉलेज में आके मैंने अब तक 2 सालों में जाए एक चीज़ सीखी है कि किसी भी टीचर से बहस मत करो, शांति से अपना काम निकालो, नंबर लाओ मिट दो और खेल खत्म करो, क्योंकि इस सबसे कोई फ़ायदा है नहीं। इस सब का इफेक्ट आपके नंबरों पर पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रकार की धमकी हो जाती है। टीचर को लगता है कि उनकी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी है, बट आपकी कोई यहाँ पे इज्जत नहीं है, तो आप यहाँ पर आपके पास इतनी सी भी इज्जत नहीं है, ऐसा समझिए कि आपकी इज्जत लूट चुकी है। तो अपने ईगो को अपने काबू में रखें और बस निकालते रहिए। अब हम लोग आ चुके हैं CTech के प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं। पंखा देख ही सकते, नहीं चल रहा यार, पसीना दिखाओ भाई, पसीना बहुत ही बुरा, पसीना निकल रहा गंदा बहुत ही ज़्यादा, अंदर पूरा मेरा गीला हो चुका है शिष्ट के पास सब दिखाता हूँ कैसे टेंस बैठे हैं सब। आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि कितने ही डेंस में बैठे हैं सब लोग, पंखे भी नहीं चल रहे थे ऊपर वाले, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी क्लास में, इस गर्मी तो मैं तो हम परेशान हो चुके थे दोस्तों। इसे फ्रिज में रख देंगे दोस्तों, ये है फ्रिज, फ्रिज में ही छुट्टी है, जर्मिनेटर, ये जर्मिनेटर है, इसे ठंडा कर देंगे। पसीने वाली क्लास करके मैं चल दिया लविस भाई के साथ हॉस्टल,
आज के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं चल दिया जिम दोस्तों, क्योंकि सुबह नींद खुली नहीं, तो मैंने सोचा इसीलिए नहीं खुली थी क्योंकि इस टाइम मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है जिम करने का। एक तो एंगर, ऊपर से खाया पिया हूँ दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट बहुत ही ज़्यादा नहीं लगता है वजन। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज है हम अपना चेस्ट डे, तो करके आते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज। हर्षित भाई जा रहा है घर पे, और समीर भाई के डेडलिफ्ट की वजह से हो गई है थोड़ी सी इंजरी, तो इस चक्कर में वो दोनों तो आया नहीं, तो आज मैं अकेला। यार जिंदगी ही मुझे अकेला छोड़ रही है, क्या करूँ, अकेला ही चल दिया हूँ, तो चलिए अकेले ही करते हैं जिम। शेर फाइनली मैंने 15-15 के 3 सेट मार के पुशअप्स को कर दिया खत्म। मेरी गाइस चेस्ट की और एक्सरसाइज करने के बाद मेरा चेस्ट पे कौन, चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद चलते हैं। गाइस ट्राई का वर्कआउट करके खत्म, देख सकते हैं पसीना, सारा स्ट्रेस रिलीज, सारा गुस्सा निकाल दिया आज, मजा आ गया। तो चलिए चलते हैं रूम पे, पोस्ट वर्कआउट लेते हैं करके। सो फाइनली सारा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं अपने पोस्ट वर्कआउट के लिए बर्फ लेके जाता हुआ दोस्तों, आएगा असली मज़ा, क्योंकि मेरे पास है बनाना मिल्क शुगर ओट्स, और अब बनाऊंगा पोस्ट वर्कआउट में एक तगड़ा सा शेक। मेरे को जिम करने में इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना शेक पीने का मन है। तो दोस्तों मेरे पैर तो रुक नहीं रहे हैं, जल्दी से बस रूम पर पहुँच जाऊँ और अपना बनाऊँ प्यारा प्यारा शेक, घटक जाऊँ अकेले दोस्तों, किसी को नहीं दूंगा डाइट से कोई मजाक नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई प्यार नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी चलते हैं और बनाते हैं चल के बनाना शेक। शेर। तो दोस्तों अपना शेक वाला सिस्टम तैयार हो चुका है, तो अपने शेक में जाने वाला है 250 ml नहीं 350 ml मिल्क, ये 40-50 ग्राम ओट्स, 2 bananas, 2 spoon sugars, और मसल ब्लेस का सिलाजीत और बर्फ। तो चलिए सबको डाल के बनाते हैं शेक हेल्दी सा, लेट्स गो गाइस। ओट्स का बना लिया पाउडर दोस्तों, अब उसमें डाल दूंगा केला, तो चलिए केले को ऐसे ऐसे करके देते हैं डाल, केले डालने के बाद मिलते हैं दोस्तों। फाइनली अपने बनानास जा चुके हैं 4 में, तो चलिए दोस्तों अब बारी है मिल्क की, देख सकते हैं 1 cup मिल्क चला गया। तो अब क्या मैं मिल्क की बर्बादी तो करूँगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ माई रोजी रोटी, सो मैंने इसमें तल लिया थोड़ा ठंडा पानी और ये डाल दिया इसमें, मिल्क की बर्बादी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो 1 चम्मच शुगर, 1.5, तो चलिए दोस्तों इसके बाद डालते हैं शिलाजीत। ये शिलाजीत तो बहुत ही बुरा टेस्ट है इसका, पर बट फिर भी हेल्थ के लिए डालना पड़ता है। तो चलिए बर्फ़ को चूरी कर लेते हैं, तो चलिए बर्फ़ को चूरी करने के बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस अपनी बर्फ़ जा चुकी है, तो चलिए शेक बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइनली शेक इज रेडी, चलिए दोस्तों पीते हैं इसको। बहुत ही थिक, टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी बनाया है। तो शेक पीने के साथ साथ ब्लॉग करते हैं ख़त्म। ये वाला ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय।